गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग इस प्रूफ को देख रहे थे, है ना। टेन ए इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, ए का वैल्यू निकाले थे। तो यहाँ पे एक एंगल बी का भी वैल्यू निकालेंगे और चीज़ों को थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे कि कैसे शॉर्ट मेथड बताना है हमको। एक शॉर्ट मेथड बताना है ना, शॉर्ट मेथड बताना है जिससे आपका ऑब्जेक्टिव जो हो वो तुरंत बन जाए। तो आप द इल्यूजन चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, चैनल को के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मैथमेटिक्स का और रिलेटेड अदर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आते हैं, थोड़ा पढ़ाई करते हैं, है ना। मॉर्निंग का टाइम है, पढ़ने में अच्छा लगता है, तो पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल ए का वैल्यू है और क्वेश्चंस आपके पास था। क्वेश्चंस क्या था? क्वेश्चन था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू वन। चार ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको बनाना था क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ ए का वैल्यू, एंगल ए का वैल्यू तो हम फाइंड कर लेते, बी मेरे पास नहीं क्योंकि यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। तो आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप ऐसे देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये सी, ये ए, ये बी है। एंगल ए का वैल्यू देखिए यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो बी नहीं है, हम जानते हैं जब ये 90 है ही, ये दोनों मिलके 90 बनाएगा ना, ये 30 है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा 90। ऑब्वियस है, बिना कुछ काम किए ये कितना बनेगा, 60, 100% बनेगा ही बनेगा 60। तो एंगल बी का वैल्यू इस तरह से, एंगल बी का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, सॉरी कितना आ गया, 60 डिग्री। एंगल बी का वैल्यू 60। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तुरंत बन जाएगा, कैसे देख लीजिए। इसको बस बहुत ही कम टाइम में बना देंगे। कैसे बना देंगे देख लीजिए, ऐसे लिखें साइन, अच्छा जो अभी लिखे थे हम, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी, आपको लिख चुके, आपको लिख के दिए पहले से ही। तो साइन ए प्लस बी, अब देखिए साइन ए का वैल्यू है 30, बी का वैल्यू है 60, मिल के बनाएगा क्या, साइन 90, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अच्छा ये साइन 90 डिग्री का 1 वैल्यू कैसे होता है, क्यों होता है, इस बारे में भी बात करेंगे। साइन 90 का वैल्यू 1 कैसे हो जाता है, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये चीज़ें स्पष्ट हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं, चलिए ठीक है। तो ऑप्शन में जब कभी भी ए बी सी डी और कहीं पर 1 रहेगा तो किसके साथ जाएंगे, 1 के साथ। यही है शॉर्ट मेथड्स। ये तो हम इतना लिखे बनाए तो लग रहा है शायद आप लोगों को टाइम टेकन हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का वैल्यू हम 30 देख लेंगे, बी ऑलरेडी 90 है, तो अदर एंगल जो जो सी है वो ऑलरेडी 90 है, अदर एंगल जो मेरा क्या बनेगा, 60 बनेगा। दोनों को ऐड कर देंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तुरंत बन जाएगा, है ना। तो इसका एक लॉन्ग मेथड्स भी है, आप जैसे कोई बोर्ड से रिलेटेड है, है ना, जैसे एसएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, दुनिया का कोई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड हो, कोई भी ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड बोर्ड्स हो, स्टेट लेवल का बोर्ड हो या सेंट्रल लेवल का, कैसे बनने, वहाँ पे कैसे बनाना है, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप का मार्किंग होता है ना। तो हम भी कॉपी चेक करते हैं, वहाँ देखते हैं स्टेप बाय स्टेप का मार्किंग होता है। तो वहाँ पे हर एक स्टेप बहुत वैल्यूबल है, हर स्टेप में आपका हाफ मार्क्स आता है। तो कैसे बने, वहाँ पे कैसे बनाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन आया आपके पास, क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन आ गए एग्जाम, तब क्या करेंगे देखें, तब उस समय क्या करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। कैसे होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, बना दिए राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें से यहाँ पे सी लेंगे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे ए लेंगे और यहाँ पे बी लेंगे, देख रहे हैं ए बी सी। हम एंगल के बारे में नहीं जान रहे, हम इस बार क्या कर रहे हैं, इस एंगल के बारे में बिल्कुल नहीं जान रहे है भी क्या, नहीं हमको पता है क्या है, तो रफ कर दिए, चलिए हम नहीं जान रहे, हम नहीं पढ़े अभी तक, एकदम बुड़बक है, नहीं पढ़े। तब जहाँ तक पढ़े हैं, जो जानते हैं क्या उससे हम आगे बना पाएंगे,
देखते हैं। अच्छा इसका वैल्यू टेन थीटा का वैल्यू पी बाय बी होता था, टेन थीटा का वैल्यू पी बाय बी होता था। तो मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास एच नहीं है, तो हर हाल में हमको क्या निकालना होगा, एच का वैल्यू, क्योंकि एच तो नहीं है मेरे पास, एच नहीं है, तो एच कैसे निकलेगा देखेंगे। तो हम क्या जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख लीजिए ये होता है या नहीं। तो P देखिए मेरे पास क्या रेफर कर रहा है, वन को, B क्या रेफर कर रहा है, थ्री को, तो वन का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, है ना, वन का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर कितना, वन रूट थ्री का स्क्वायर कितना, थ्री, मिलके क्या बनाएगा फोर, और ये एच स्क्वायर है फोर, तो देयर फोर क्या एच इक्वल टू रूट फोर लिखेंगे, और यहाँ से टू यूनिट आएगा मेरा बन के, यूनिट आएगा ना, टू यूनिट लिखेंगे, ना कि सेंटीमीटर मीटर ये सब नहीं लिखेंगे, बार बार हम बोल रहे हैं टू यूनिट। एच का वैल्यू जो मेरे पास नहीं था अब लेकिन है, टू यूनिट एच भी मेरे पास आ गया, और इतना तो हम लोग जानते थे पहले से, एच पी बी में से दो हमेशा गिवन होगा, चाहे दुनिया का कोई क्वेश्चन हो, एक नहीं होगा उसको निकाल लेंगे और फिर बनाएंगे। देखिए कैसे, अब जो बनाएंगे कैसे ये सॉर्ट आउट होगा उसको देखेंगे जरा सा। तो साइन तो हो गया यहाँ पर, कॉस हो गया, फिर अब सेट कर देंगे। देखिए साइन ए जो लिखते हैं उसको लिखते हैं पी बाय एच, क्या लिखते हैं पी बाय एच, कॉस बी, बी को लिखते हैं बी बाय एच, फिर कॉस ए, तो कॉस को वही लिखते हैं बी बाय एच, और साइन को पी बाय एच लिख दिए। लेकिन एंगल के अकॉर्डिंग ये एक्सचेंज होगा, बदलेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है तो एच, अब इसमें से कोई भी, हम बोले थे इसमें से कोई भी पी या बी बन सकता है, ये भी पी या बी बन सकता है, यही चीज सीखना है। हम बोले थे किसी क्वेश्चंस में कि जहाँ पे बेस होगा वहीं पे घर बनेगा, इसका मैथमेटिक्स में क्या मीनिंग है कि जहाँ पे एंगल होगा वहीं पे बेस होगा, चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं, खास करके मैथ्स में, अगर आप चीज़ों को स्पष्ट नहीं करते हैं, जानते नहीं हैं, तो व्यर्थ, देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ द थिंग्स, कोई वैल्यू नहीं बच जाता। ऐसे में बार बार हम बोल रहे हैं जहाँ पे एंगल होगा वहीं पे बेस बनेगा। अब एंगल दो तरह का मेरे पास है, देखिए एक एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है, तो जहाँ एंगल ए जाएगा उसी के साथ बेस जाएगा। हम एक दिन ये ऐसे भी बताए थे कि जहाँ पे थीटा रहेगा वहीं पे बेस जाएगा, क्या याद है, क्या याद है, ये हैशटैग याद है, याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, जहाँ बेस वहीं घर, जहाँ घर वहीं बेस, जहाँ बेस वहाँ थीटा, जहाँ थीटा वहीं बेस, 100% एक दूसरे को अलग नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता है, अलग हो जाए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एक मिनट का समय लेंगे, जैसे दुनिया में हर कोई सेपरेट हो सकता है जी, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, फादर मदर से, कोई भी थिंग, एक थिंग दूसरे थिंग से, जैसे ये पेन, ये सेपरेट कर सकते हैं, चाहे तो हम ये अलग कर देंगे, फेंक देंगे, कर सकते हैं, अलग अलग रखेंगे, हम साथ में नहीं रखेंगे, आज से हम इस दोनों ये कम्बिनेशन है अलग रखेंगे, साथ में नहीं रखेंगे, रख सकते, दुनिया में कोई भी चीज़ अलग हो सकता है, लेकिन एक अलग नहीं होगा, क्या वो माँ के साथ जो रिलेशन आपका है, मदर के साथ, फादर के साथ रिलेशन अलग हो सकता है, हम देखें कई बार, है ना, कि फादर और उसका जो सन है सेपरेट हो जाते हैं, अलग रहते हैं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए, एज ए टीचर्स हम लोग यही जानते हैं कि नहीं होना चाहिए, ये हमारा जो कल्चर है उसके बहुत ही अपोजिट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, होल फैमिली, ज्वाइंट फैमिली होना चाहिए। चलिए वो सब बात की बात है, हम क्या बताना चाह रहे थे कि हाँ, मदर के साथ जो रिलेशन आपका है वो कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता, एक तिनका के लिए भी नहीं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जी मदर के साथ,
आप घर में बैठ के कभी रियलाइज कीजिए, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, सूरज का उगना बंद हो सकता है, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तब भी ये चलेगा, लेकिन मदर के साथ रिलेशन खराब हो जाए ये नहीं चल सकता कभी नहीं। तो वैसे अटूट बंधन है रिश्ता प्यार का। तो वैसे में देखेंगे क्या, जो थीटा है वो बेस के साथ जाएगा और बेस थीटा के साथ जाएगा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए ट्रायंगल के साथ मैथमेटिक्स में, लेकिन ये अलग नहीं होगा। इस बात को इतना जो कथा सुना है उसका यूटिलाइज करेंगे, ऐसे नहीं कि झूठे हम बोल दिए कहानी, ऐसे नहीं बोलते हम, उसका बहुत वैल्यू होता है। अभी देखिए कैसे वैल्यू, अभी देखिए वैल्यू कैसे चीज़ों को देखेंगे। अभी हम बोले थे एंगल ए, एंगल ए कहाँ है, यहाँ पर देखिए, इस बार मेरा ए एंगल यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर बना है, तब जहाँ पे थीटा तो बेस उसके साथ जाएगा, बेस जाएगा ना, अभी बेस किसके साथ जाएगा, यहाँ पर ए सी के साथ, तो हम लिखेंगे ए सी और हाइपोटेनस क्या है, ए बी, समझ में आ रही है चीज़ें। अब आते हैं एंगल बी, कॉस बी है मतलब एंगल बी, इस बार एंगल बी कहाँ है, देखिए यहाँ, तो इस बार बेस कहाँ है, यहाँ पर बेस है, देख रहे हैं बेस वहाँ पे है, तो जब बेस यहाँ है तो बेस इस बार क्या बन गया, बी सी, देख रहे हैं चीज़ें कैसे बदल रही है। और हाइपोटेनस तो कभी भी चेंज होगा ही नहीं, नहीं चेंज होगा हाइपोटेनस, प्लस बेस, देखिए एंगल ए बी है यहाँ पर, एंगल ए कहाँ है मेरा, एंगल ए कहाँ है, यहाँ पर, तो बेस यहाँ था, तो क्या होगा ए सी, और ये ए बी तो चेंज होगा ही नहीं, पी किसके साथ, साइन के साथ, बी एंगल है, देखिए बी, तो बी द बेस ये बना था, तो पी कहाँ लेंगे, पी इस बार देखिए मेरा यहाँ है, क्योंकि जब बेस ये होगा जी बी एंगल के साथ, तो परपेंडिकुलर का लेंथ मेरा ऊपर जाएगा ए सी के साथ, तो लिखेंगे ए सी बाय ए बी, क्या जो आप सुने वो सेटिस्फाई किया, मुझे लगता है 100% है ऐसा हुआ। अब देखिए फिर, तो क्या कुछ यहाँ पे इरर है, मेरे ख्याल से क्या इरर है, साइन ए के साथ पी जो लिए थे तो ये मेरा बेस बना था, है ना, तो लेकिन पी बाय एच होता तो परपेंडिकुलर मेरा बी सी होगा ना जी, तो यहाँ पे थोड़ा इरर क्या है कि ये बी सी होगा, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो बी सी और बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई में बी सी स्क्वायर और ये ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी ए सी का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा और फिर ये ए बी का स्क्वायर। अब देखिए बी सी स्क्वायर प्लस ए सी कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और मेरे पास ए बी स्क्वायर तो पहले से ही है, यहाँ तक लिखें अच्छे से, हम ऊपर का पार्ट कुछ रफ कर रहे हैं, देखिए ऐसे में मेरे पास क्या है बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, हम क्या जानते हैं बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे में हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा ए बी का स्क्वायर, इस दोनों के बदले हम यहाँ पे ऐसा लिखें ए बी का स्क्वायर बाय, अब ये है मेरे पास ए बी का स्क्वायर और दोनों रिड्यूस होकर वन बनाएगा, तो क्या आंसर वन के साथ जाएगा। ये था हर स्टेप से बनाने का, अदर्स बोर्ड के लिए कोई भी बोर्ड हो उसके लिए, तो आप राइट डाउन कीजिए चीज़ों को सीखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं मेरे ख्याल से, सब कुछ आप जान पा रहे हैं समझ पा रहे हैं। अब कुछ और देखते हैं, तो घर पे बैठ के नहीं रहिए, जैसे अभी लॉकडाउन है ना, तो बाहर सेफ नहीं है, आप घर पे बैठें, राइट डाउन करें, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, बनाएं कैसे बनता है इस पे फोकस करें, और अभी और देखिए है ना इसके बाद और हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आप घर पे बैठ के जरूर बनाएं, हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को स्क्रीन पे लेके आपके स्क्रीन पे लेके बता चुके हैं।
कुछ क्वेश्चंस को लेकर फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो हर चीज़ क्या है, चीज़ें एकदम से स्पष्ट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट कोई भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस लेते हैं, क्या देखते हैं कि सॉल्व हो पा रहा है, चीज़ें हम लोग समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसे एंगल के बारे में, जैसे हम लोग एंगल निकालते हैं किसी चीज का, वैल्यू निकालते हैं, 0 डिग्री है ना, निकालते हैं साइन 0 डिग्री, फिर लिखते हैं साइन 30 डिग्री, फिर लिखते हैं साइन 45 डिग्री, इसी के साथ 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो ये वैल्यू कैसे आता है ना, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, किसका क्या वैल्यू होता है, इन चीजों पर भी फोकस करेंगे। कैसे वैल्यू एग्जिस्ट होता है, कैसे वैल्यू एग्जिस्ट होगा, तो चलिए देखते हैं कैसे एग्जिस्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी एक का वैल्यू के बारे में, किसी एक के वैल्यू के बारे में देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म, देख लीजिए बहुत ही वीवीआई है, अभी जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपको बताने के लिए वीवीआई में, है ना, वीवीआई जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं बताने के लिए, ये बहुत ही वीवीआई है। तो वीवीआई में चीजों को देखेंगे, सीखेंगे कैसे। एंगल हम ले लेते हैं, चलिए एबीसी नेमिंग कर देते हैं, एबीसी नेमिंग कर दिए, ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, कोई दिक्कत, ये तो हर क्वेश्चन में बोल ही रहे हैं, अपोजिट साइड हाइपोटेनस, इसमें से कोई भी परपेंडिकुलर और बेस बन सकता, इंटरचेंज होते रहता है, चीजें बदलते रहती हैं, इंटरचेंज होते रहता है। ऐसे में सीखना है, जानना है कि क्या इंटरचेंज होता है, कैसे होता है। तो अगर मान लेते हैं हम किसी भी एक एंगल के बारे में बात करते हैं, किसी भी एक एंगल के बारे में, किसी चीज के बारे में, मान लेते हैं साइन के बारे में बात करते हैं, साइन 0 डिग्री, चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री स्टार्ट करते हैं, इसका क्या वैल्यू होगा, कैसे जानेंगे हम कि 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो साइन ये थीटा है, इसको क्या सीखेंगे हम कि साइन थीटा, थीटा किसको रेफर कर रहा है, 0 डिग्री को, एकदम बहुत ही एक एक स्टेप ध्यान से आपको देखना है, सीखना है चीजों को, चैनल पे बने रहना है, हमारे चैनल द इल्यूजन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड सर्कल में चीज़ें अच्छी लगे, अगर आपको मेथड्स पसंद आ रहा, आपके माइंड में सेट हो रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अब देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे साइन 0 डिग्री के बारे में सोच रहे हैं हम कि क्या वैल्यू होगा, और हम कुछ टेक्निक यूज नहीं करना चाह रहे, बस एक जो अभी तक हम पढ़े उसी को आगे प्रोसीड करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे काम होगा। तो थीटा देखिए मेरा क्या रेफर कर रहा है, 0 डिग्री रेफर कर रहा है, चलिए आते हैं तो वैल्यू क्या होगा। अगर एक बात जो ध्यान देनी है वो क्या है कि 0 डिग्री होगा, इसका मतलब है कि एंगल फॉर्म तो नहीं होगा 100%, कोई भी एंगल लेते हैं, चलिए अगर मान लेते हैं थीटा यहीं पे लेट कर लेते हैं, ये मेरा थीटा, हम ये नहीं बोल रहे 0 डिग्री हम लेट कर लिए, थीटा लेट किए हैं, 0 नहीं। ऐसे कंडीशन में जब थीटा लेट किए हैं, 0 लेट नहीं किए हैं, तो हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच लिखते थे, पी बाय एच, ध्यान दीजिए पी बाय एच, पी का वैल्यू मेरा ये है ए बी, और बी का वैल्यू, एच का वैल्यू सॉरी, ये है ए सी, है ना, एच का वैल्यू मेरे पास क्या है ए सी, देख रहे हाइपोटेनस ए सी है, हाइपोटेनस ए सी है, लिख दिए ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी बाय ए सी है, चलिए देखिए ए बी बाय ए सी कैसे होगा, कैसे क्या लिखेंगे, ए बी बाय ए सी हम 0 डिग्री का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो अब इसी फिगर को हम जरा सा और एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, डिफाइन करना चाह रहे हैं कैसे। अब जरा सा देखिए कैसे होगा,
वैल्यू कैसे हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, बनाएंगे कैसे। अभी मेरे पास यहाँ पे थीटा लिए थे, थीटा लिए थे तो हुआ था ए बी बाय ए सी, लेकिन जीरो डिग्री ये कब बनेगा, ये जीरो डिग्री कब हो पाएगा, समझ में आ रही है चीज़ें कि जीरो डिग्री कब होगा। ये चीज़ सीखना है कि जीरो हो कब जाएगा, कैसे जीरो होगा, कैसे हम समझ लेंगे कि ये जीरो ही हो जाएगा, मतलब जीरो का वैल्यू वो तो बाद में सीखेंगे, जीरो का वैल्यू क्या होगा, जीरो का वैल्यू क्या होगा ये बाद में सीखेंगे, लेकिन ये जीरो एंगल होगा कैसे, पहले तो इस चीज़ को जानना है कि जीरो हो कैसे जाएगा। देखिए अगर ये जीरो होगा, देख लीजिए ये ऐसे है मेरे पास, ये है बी और ये है सी, यहाँ पे बना दिया 90, बना दिया 90, ये इस तरह से यहाँ पे 90 बना दिए, चलिए 90 बना दिए, और ये सी बी सी। तो जैसे ही ये एंगल सी मेरा जीरो बनेगा, मतलब अभी ये एंगल इस तरह से थीटा था, ध्यान दीजिए, तो ये इस तरह से क्या बना था, थीटा बनाए थे, चाहे वो थीटा 10 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं ये जीरो बनाएंगे, जीरो, तो जीरो बनाएंगे जी, ये जो लाइन है ये लाइन धीरे धीरे कहाँ पे आएगा, जैसे ये 60 है अभी, अगर इसको 50 बनाएंगे तो ये लाइन यहाँ पे आएगा तो बन जाएगा 50, ठीक है, सीखिए। अगर इसको 40 बनाएंगे, 40, तो ये जो मेरा लाइन है ये जाएगा यहाँ पर, तब बनेगा 40। अगर हम इसको 30 बनाएंगे तो ये लाइन और मेरा यहाँ पे आएगा, बनेगा 30। चीज़ें हम सीख रहे हैं, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है। एंगल जैसे जैसे घटता चला जाएगा, है ना, ये जो हाइपोटेनस है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, डिक्रीज, तो कैसे डिक्रीज होगा, ध्यान दीजिए कैसे डिक्रीज होगा, इस चीज़ को भी सीखेंगे, डिक्रीज कैसे करना है। ये हो गया, ये मेरा था ए, ये था बी, ये है सी, ये है 90। अब जीरो बनाएंगे तो 30 में डिक्रीज हो गया था पूरा, देखे थे जितना 30 होगा डिक्रीज होगा। तो अब जैसे ये बढ़ेगा एंगल 90 में, देखिए यहाँ 30 में, यहाँ 40 में, यहाँ 40, 60 में, यहाँ और बढ़ाएंगे आगे और बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। अगर ये 30 बना दिए, चलिए अभी हम 30 बना दिए, इंक्रीज करेंगे तो एंगल बढ़ते चला जाएगा, है ना, इंक्रीज करेंगे तो एंगल बढ़ेगा, तो इसको दूर ले जाके हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे जीरो होगा जी, इसका मतलब यहाँ पे कोई एंगल ही फॉर्म नहीं होगा, इस जगह पर जो मेरा 30 का है यहाँ पे कोई एंगल ही फॉर्म नहीं होगा, तभी तो जीरो होगा, कोई एंगल ही नहीं बनेगा, एंगल फॉर्म ही नहीं होगा। जीरो मतलब है क्या कि कोई एंगल मेरा फॉर्म नहीं हुआ, तो जब एंगल ही फॉर्म नहीं होगा जीरो डिग्री में, जब एंगल ही फॉर्म नहीं होगा ऐसे कंडीशन में मेरा तो फिर हाइपोटेनस नहीं होगा, हाइपोटेनस नहीं होगा, होगा हाइपोटेनस, होगा ही नहीं, एंगल जब फॉर्म नहीं होगा तो हाइपोटेनस नहीं होगा, और हाइपोटेनस नहीं होगा तो फिर अदर्स जो मेरा परपेंडिकुलर है वो भी नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, जब मेरा परपेंडिकुलर भी ऐसे कंडीशन में नहीं हो पाएगा तब एंगल ही मेरा फॉर्म, हाइपोटेनस के एकदम क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, जीरो का हाइपोटेनस फॉर्म भी नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे कंडीशन में जब मेरा एंगल फॉर्म ही नहीं हुआ तब क्या करेंगे, कोई वैल्यू है आपके पास नहीं, तब वहां पे इसका वैल्यू साइन जीरो डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो डिग्री हो जाता है, जीरो हो जाता है, डिग्री नहीं, जीरो डिग्री का वैल्यू क्या चला जाएगा, जीरो चला जाएगा, जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो यही बात है, क्योंकि एंगल ही नहीं फॉर्म होता है, जो ये लाइन है ए बी और बी सी वो फॉर्म नहीं हो पाएगा, तभी तो होगा, बस तब कुछ भी लाइन फॉर्म होता है तो वहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो इसको और डिस्क्राइब करके जानेंगे। अगर मान लो 90 डिग्री दिया जाए तब देख लीजिए जरा सा, इसी जीरो डिग्री बदले यहाँ पे एक क्वेश्चन और देते हैं, 90 लिख देते हैं, तब क्या करेंगे, 90 अगर लिख दें साइन, बस एक मिनट का और समय लेंगे, है ना, साइन 90 का वैल्यू आपसे पूछिए क्या बनेगा, तो साइन थीटा देखिए हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा पी बाय एच जानते हैं,
तो पी का वैल्यू क्या ए बी और एच का वैल्यू क्या बी सी। देखिए अगर 90 बनेगा, देखिए थीटा इस बार हम क्या ले लिए 90, यहाँ पे हम लिख देते हैं इस बार 90 डिग्री। तो देखिए 90 यहाँ होगा, एक ट्रायंगल में दो 90 हो सकता है क्या? कभी होगा ऐसा? कभी नहीं होगा। अगर होगा भी, अगर ऐसा मान लेते हैं, अगर होगा तो नहीं, 100% नहीं होगा, तब क्या करना, 90 बनने के लिए जो सी है वो कहाँ उसको शिफ्ट होना होगा, बी के पास। सी एंगल को शिफ्ट होना होगा बी के पास। ऐसे में तब मेरा जो वैल्यू ए बी है इसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये शिफ्ट होगा, ये लाइन जो इतना बड़ा घटता हुआ कम होगा, और ये लाइन कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर, समझ में आ रही है? तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो जाएगा। यही चीज है, जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, ए सी का, घट जाएगा। तभी तो ये 90, पहले तो पहली बात तो ये एक ही ट्रायंगल में दो 90 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब एक ही 90 होगा, तो ये 90 कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ, तो ये तो डिस्टेंस खत्म हो गया, तो बी सी तो रहा नहीं मेरे पास। हम क्या बोले थे अभी, जस्ट जैसे जीरो बता दिए थे, क्योंकि वहाँ फॉर्म ही नहीं हो रहा था एंगल। अब अगर यहाँ पे एंगल फॉर्म करें तो 90 तो दो 90 एक ट्रायंगल में होगा नहीं, तो ये शिफ्ट होगा सी बी के प्लेस पर, कोई इनसाइड बोलेंगे जिसको, कोई इनसाइड हो जाएगा, तो कोई इनसाइड हो गया, तो ठीक है कोई इनसाइड हो गया, तो जब तब ये 90 बन गया, तब जो लेंथ है ए सी वो घट के कहाँ पे आएगा, बी के प्लेस पर, क्योंकि सी कहाँ आ गया, बी पे। इसका मतलब जो ए सी था वो भी क्या बन गया, ए बी। तो यहाँ पे आप देखिए, अच्छा यहाँ पे ए सी लिखना था, है ना, हाइपोटेंस मेरा ए सी है, तो ए बी भी क्या बन गया मेरा ए सी, और ए सी पहले मेरा था, रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, 1। इसलिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। अभी इसके बारे में पिछले क्लास में बताया थे, साइन 90 का वैल्यू 1 कैसे हो जाता है, है ना, साइन 90 का वैल्यू 1 कैसे हो जाता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 कैसे हो जाता है। तो चीज़ें इस तरह से बनती हैं मैथड्स, इस तरह से कोई भी 30 डिग्री ले लें, 60 डिग्री ले लें, कुछ भी लेंगे, सबका प्रूफ है, और हर एक प्रूफ को अच्छे से हम लोग देखेंगे जानेंगे। अब कुछ और आते हैं, एक मिनट का और बना लेते हैं, देखते हैं। तो कुछ होमवर्क जो है ना घर पे आप बैठ के कीजिए, तब नेक्स्ट क्लास में हम चीज़ों को और आसान कर देंगे आपके लिए। जैसे घर पे बैठ के आप क्या कीजिए, साइन 30 का वैल्यू सोचिए कैसे बनेगा, बनाना है मेथड से, 60 का सोचिए कैसे होगा, 45 का सोचिए कैसे होगा, ठीक है, समझ में आ रही है, 45 तो कैसे बनेगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान से सीखना है। और इसके अगर आप ये सब समझ जाते हैं लॉन्ग मेथड्स में, तो इसका एक शॉर्ट मेथड्स फिर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इसलिए चैनल पे बने रहें, द इल्यूजन पे आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो शॉर्ट मेथड बताएंगे, जितने भी आपके पास हैं, चाहे वो साइन थीटा हो, जितना भी डिग्री हो जाए, 0, 30, 45, 60, 90, इससे लेकर के 6 आइडेंटिटीज आपको पहला ही क्लास या दूसरा क्लास में दिए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, 6 आइडेंटिटीज, उसका वैल्यू, हर एक का वैल्यू बहुत ही शॉर्ट मेथड्स में नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगा 100%। बहुत बहुत धन्यवाद।